जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती की डिटेल लेकर आया हूं जो शायद ही आपने सुनी होगी। तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम टीए बोलते हैं, उसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज निकली हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भर्ती है प्योर एक्स सर्विसमैन के लिए है और कोई भी सिविलियन कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए, एक चीज़ मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और बता देता हूँ कि एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट नायब सूबेदार के पद पर भी तैनाती मिल सकती है। यानी कि एक एक्स सर्विसमैन डायरेक्ट नायब सूबेदार भी टेरिटोरियल आर्मी में बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं, ये है टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। और आप इस ये नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्लैश हो रही है कुछ जो टीए आर्मी में निकली हुई भर्ती की नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रैली फॉर 137 CETF बटालियन TA-39 गोरखा राइफल्स, क्लिक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये जो नोटिफिकेशन है मेरे सामने खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो टीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए यहां से करते हैं हम इस वीडियो के लिए स्टार्ट। चलो, अब देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रैली इन 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन टेरिटोरियल आर्मी 39 गोरखा राइफल्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, एक लाइन में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं भर्ती की डेट। और सबसे बड़ी बात, ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया बेसिस है, मतलब इंडिया में कहीं पर भी आप रहने वाले हैं तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, 137 CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल विल बी ऑर्गेनाइजिंग ए रिक्रूटमेंट रैली फॉर एक्स सर्विसमैन, ओके, पेंशन होल्डर ओनली। तो ऐसे एक्स सर्विसमैन जिनको पेंशन मिल रही है वो इस भर्ती में जा सकते हैं। एंड एक्स वुमेन एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर रिटायरी ऑफ MOEF एंड CCC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडिया बेसिस फ्रॉम 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024। मतलब स्टेट के जो किसी भी स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और इंडियन आर्मी से रिटायर हुए कोई भी एक्स सर्विसमैन पूरी ऑल इंडिया का, ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक इस भर्ती में शामिल हो सकता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉलंटियरिंग टू ज्वाइन आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द स्क्रीनिंग फॉर स्क्रीनिंग, जिसमें होगा आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एंड इंटरव्यू। ओके, रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होगा। एट 7 AM ऑन 21 अक्टूबर 2024 एट 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। ओके, तो कोई भी एक्स सर्विसमैन है पूरी इंडिया का जो भी इस भर्ती में शामिल होना चाहता है, 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक ये भर्ती चलने वाली है 39 गोरखा राइफल्स में। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो 7 बजे 21 अक्टूबर को 11 गोरखा राइफल जो कि लखनऊ में है उसमें आप जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट JCO भी बन सकते हैं। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ओके, 7 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिसको हम RTJCO बोलते हैं, 1 वैकेंसी है इसकी। उसके बाद दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्जर GD की 164 वैकेंसीज हैं और सोल्जर ऑब्लिक क्लर्क स्टाफ ड्यूटी इसकी 2 वैकेंसीज हैं। सोल्जर टेलर की दोस्तों 1 वैकेंसी है। सोल्जर ऑब्लिक चेफ कम्युनिटी की 1 वैकेंसी है। सोल्जर हेयर ड्रेसर की 2 वैकेंसीज हैं। सोल्जर वॉशरमैन की 2 वैकेंसीज हैं। सोल्जर आर्टिसियन मेटालुगुरी की 1 वैकेंसी है और सोल्जर हाउसकीपर की 1 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार इस भर्ती में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है दोस्तों 184। ओके, अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। शुड गेट एनरोल्ड
within 5 years from the date of retirement. ठीक है, JCU can serve up to 55 years and OR can serve up to 50 years. तो दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपको लिए आपके लिए रिटायर हुए अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप JCU रैंक पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों वो 55 साल तक है, आप सर्व कर सकते हैं इसमें. और अगर आप OR रैंक पर भर्ती होते हैं तो आप 50 साल में जो है आपको रिटायर कर दिया जाएगा. अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल कैटेगरी की. तो मेडिकल कैटेगरी की अगर बात करें तो आपकी सेव बन होनी चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे और इस समय भी. कैरेक्टर जो आपका रिटायरमेंट में यानी कि डिस्चार्ज में जो लिखा हुआ होगा वो होगा एग्जेम्पलरी और वेरी गुड. अगर इससे नीचे है तो आप इस भर्ती में नहीं जाइएगा. अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, कितना क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहे हैं. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर ओनली. ठीक है, हम इसी से मतलब हम इसकी ही बात करेंगे. विद मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस. ठीक है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपको रिटायर हुए 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं आप इस भर्ती में जा सकते हैं, बाकी आपके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है. हाइट की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होगी और गोरखा गढ़वालीस और आसामीस के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर ले रहे हैं. ओके, चलिए मिनिमम वेट. तो मिनिमम 50 केजी वेट फॉर मेल एंड 42 केजी फॉर फीमेल. तो आपको 50 केजी वेट अगर आपके अंदर है तो आप जा सकते हैं. चेस्ट 82 सेंटीमीटर लिया जा रहा है. उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स की फॉर मेल ओनली. तो आपका 1 मील का जो है वो रन होगा, पुलअप्स होंगे, डिच होगी, जिगजैग बैलेंस और बीम होंगे. ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट. प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल इंक्लूड टेस्ट फॉर ट्रेड्समैन एंड फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल इंक्लूड टेस्ट रिलेटेड टू एफोरेस्टेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट. चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे जरूरी चीज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं. डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO ओरिजिनल, 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स. उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज के सरपंच ऑब्लिक पुलिस अथॉरिटी से, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास में है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है. ओके, जैसे ही आपका फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा फिर आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, इसमें होगा आपका इंटरव्यू. कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर. जैसे ही आपके फिजिकल हो जाएगा मेडिकल से पहले आपका इंटरव्यू होगा. ठीक है, आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैंडिडेट जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और JCU रैंक से नीचे रिटायर हुए, मतलब PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि हवलदार या फिर हवलदार से नीचे किसी भी पोस्ट से आप आर्मी से रिटायर हुए हैं तो आपको जो सिलेक्शन मिलेगा वो मिलेगा एज ए सिपाही. सिमिलरली एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर, अगर आप एक जूनियर कमीशन ऑफिसर थे आर्मी में और JCU से रिटायर हुए हैं तो दोस्तों आप नायब सूबेदार के पद से जो है वो डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं. ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, JCU कैन सर्व अप टू 55 इयर्स एंड OR कैन सर्व अप टू 50 इयर्स. ओके, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस, पेंशन इंक्रीमेंट एंड ग्रेजुटी, जो भी आपको TA में मिलता है वो सब मिलेगा, लेकिन बस पेंशन नहीं मिलेगी. ठीक है, आप देख सकते हैं बेसिक पे वगैरह सब कुछ मिलेगा, अदर अलाउंसेज जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऑल अलाउंस आपके लिए मिलेंगे. कैंटीन एंड मेडिकल की फैसिलिटी आपको फिर से मिलेगी, वैसे तो एक्स सर्विसमैन को मिलती ही है लेकिन आपको यहाँ पे फिर से मिलेगी. तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.